की खादा? ब्रेड। ओ मेरी मम्मी ने ब्रेड खाद। वापसी रस्ते लड्डू का दुध लेंदे जाना, फिर उस तो बाद आप सीधा जाना कार ते कार जाके। टाइम इस टाइम 10:30 हो गया, मम्मी ने इंजेक्शन भी लगवाना खांसी का, क्योंकि सवेरे मम्मी ने 6 बजे खांसी करके फिर उही प्रॉब्लम होंदी पई सी, इस करके मम्मी ने इंजेक्शन लगवाना। सो फटाफट सारे काम करिए तो फिर आप चलिए सीधा घर। लेट्स गो। सो गाइस बैंक जो भी काम सेगा वो हो गया, तो हम चलो फटाफट चलिए लड्डू का दूध लैन। सो गाइस लड्डू का दूध ले लिया, हुण आपां चलिए फटाफट घर ते मम्मी दे इंजेक्शन लवाइए फटाफट। सो गाइस मैं घर आ चुका वा ते मेरे वेलकम लई देखो कौन खड़ा इत्थे। अरे अरे कैसा है तू, आजा आजा अंदर आजा। आ गया लड्डे, आ गया डी, आ गया। बढ़िया बढ़िया, तू बता पट्टू जी। हां भाई जी, कैसे हैं? ठीक है। सो गाइस घर आंदे एक और काम पै गया, वो बड़े घर की चाबी नहीं है। आंटी का छोटू महीना चले दूजे घर, उत्थे क्योंकि कल कपड़े धोते सी ते कल सुकने नहीं पाए कपड़े, तो हुण इहनां नूं मैं वापस लेके चलना कपड़े उत्थे सुकने टंग के, ते फिर आपां वापसी आने। हुण चलो चलिए फटाफट वड्डे घर। गाइस सारा प्लान चेंज हो गया, वड्डे घर मैं चला सी बट हुण मैं नहीं जा रहा क्योंकि वड्डे घर दी चाबी अंशू कोल है, ते अंशू इत्थे नहीं हैगा, अंशू मंदिर गया है वा। अंशू जिद्दां ही वापस आंदा वा फिर आपां वड्डे घर चलांगे, उस तों पहलां बैंक जाणा मैडम मैनूं फिर तों, क्योंकि मम्मी दा मेरा जॉइंट अकाउंट है ते जेड़ा मैं चेक अपलाई किया हीगा उदे विच मम्मी दा नाम सीगा बट अकाउंट नंबर मेरा सीगा, ते की चाबी चबया हुण मामू भी बैंक चले आ, मैं भी उधर चलना वा। चलो चलिए फिर तो बैंक, बाकी मैं चीकू नूं फोन करता हुण ओह आऊगा घरे, मम्मी नूं इंजेक्शन ला जूगा। बाकी याद भी सोना घर ही है, काम वाले आंटी भी घर है, छोटू भी घर है, जे कोई भी हेल्प दी मम्मी नूं लोड़ होएगी ते मैं उस टाइम गड्डी लैके वापस आ जाऊंगा। गुड मॉर्निंग भा। गुड मॉर्निंग जी, की है की हाल चाल? पेपरां दी तैयारी है फिर चक लिया चलिए फटाफट बैंक। सो गाइस बैंक दे बाहर पहुंच गए सी, सुरे भाजी अंशू मामू सारे आ गए, तो हुण मामू ते मैं चले बैंक च गल करन, जिद्दां बैंक चो फ्री होंदे सीधा घर जाके मिलदे। सो गाइस जो भी काम सीगा वह हो गया कंप्लीट। मामू हुण कुछ खिला दो यार, भुख बहुत लगी है। प्लीज मैनूं आप बहुत भुख लगी, ताहीं तां कहे कुछ खिला दो, आवाज नहीं आ रही यार, हर वारी इदां करदे। हुण मैं कुछ खिला दो कहिंदे आवाज नहीं आ रही। मामू गड्डी च ना बैठी हो, मैनूं चलाने नहीं आंदी। हुण फिर घर जाना सीधा। सो गाइस घर ही चलते, मेरा मामा मैनूं कुछ नहीं खिलांदा, सो सीधा घर जाके मिलते। सो गाइस बैंक वगैरह तो फ्री होने बाद हुणे जस्ट घर आए हैं, ते राजा पहला ही पुज्जे आया साडे तों, ते राजा मम्मी दे इंजेक्शन लाने लगा खांसी वाला ने। मम्मी कोई कुछ 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 नहीं होता, कुछ नहीं होता, छड़ दो मम्मी उसके, नहीं लगा लगेगा नहीं लगे। ਜਦੋਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਨਾੜ ਚ ਹਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੰਮੀ, ਨਾੜਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਨਾੜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਨਾੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਐ ਕੋਈ ਜਾਂਦੀ ਅੰਚ। ਹੈਲੋ ਆ ਵਾ ਮੰਮਾ ਦਾ ਜੀ। ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚੁੱਪ ਫੜ ਲੈ ਮੇਰਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਵੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਵੀ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਮੰਮੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। नाश्ता पानी कर लिया, सवेर दा कुछ नहीं खादा। तुसीं कुछ खा लिया? की खादा?
ब्रेड ओ मेरी मम्मी ने ब्रेड काट। सो इंजेक्शन पूरा लग गया। मम्मी रो रोना नहीं है, ठीक भी तो होना वा। चुप मम्मी भी न्याणे वांगू गल दे। इंजेक्शन सुन लो, दे दे सारा सामान, मैं सुन लूंगा। एंटीबायोटिक बुरी नजर जिन्हें लगी दी दूर हो जाए। पंडित जी कब से हवन शुरू है? हवन नहीं, पाठ होता है। पाठ कब से शुरू है? कल सुना पहले ना उनका डेट ऑफ बर्थ टाइम देख के आओ। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब दे, डेट ऑफ बर्थ टाइम सेंड कर दे। अभी यहीं पे देखता हूँ ना। हाँ, अभी 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 भी भेजते। मैंने एक तारीख को लिख के भेजा था मम्मी को। एक तारीख का क्या है, मैंने नहीं ना पता। मैंने तो हूँ गल की, मैंने दसता मम्मी के व्हाट्सएप में, मैंने लिख के खुद भेजा। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी आप रोज तो लिख रहा हूँ की तबियत कैसी है, कोई आंसर ही नहीं देते। फोन अभी बंद है ना मम्मी का, चार पाँच दिन से। मैं कर रहा हूँ की पाठ करना है मुझे। आपको सब कुछ मैं बताता हूँ, आप अच्छे से पाठ करो बस, है कि नहीं सूर्य भाई? सो इत चाह चू पियांगे, उस तो बाद पंडित जी ने बह गपशप मार लिया पावे थोड़ी जी, है ना। ते इत एक नवा नुकसान हो गया, मामू का फोन है जो कि खराब हो चुके। हेलो, कंग्रेचुलेशंस। एंड मीटिंग हुंदा की है, पता नहीं की कुछ होंगे भरावा साढ़े ना, पाठ जोर शोर ना करना पैना। सो गाइस, चाह चू पीन तो बाद आपा हो गया फ्री। पंडित जी घरों जा चुके हैं, तो हूँ मैं रोटी रूटी खा ला, क्योंकि मैं सवेर का नाश्ता नहीं किया। तो टाइम देख लो, डेढ़ बज गया, बहुत ज्यादा भुख लग रही है। आंटी बनाते भी रोटी, हूँ रोटी रूटी खा ला तो फिर तुम्हें मिलता। रोटी रूटी खाने तो बाद मैं हो गया फ्री। एडी नू इंजेक्शन लवाने, क्योंकि दो महीने का हो चुके वा, ऊपर ही हो चुके। अरे मैं दो महीने का नहीं, मम्मी पैदा हूं, मैंने लगवाने इंजेक्शन, प्लीज मेरे को माफ कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे ये समझा करो ना भैया यार, मैं इतना क्यूट, मेरे को देख के कौन सा लगता है कि मैं काटूंगा किसी को। इन्फेक्शन है तो है तेरे दांत। सुन रहे है, सुन रहे है भैया, क्या समझा रहे है? हां सुन रहा हूं। तो एडी ते इंजेक्शन आ चली है, बाकी मम्मी दे कोल सारे ने अवेलेबल है। यादव भी घर है, सूरज भाजी भी अज घर है, सोना भी घर है, काम वाली आंटी भी घर है, छोटे भी घर है, छोटे भी घर है, सारे जने घर है। तो हुन आपां फटाफट इन्हां इंजेक्शन लईए, ते आपां भी फटाफट घर चलीए मम्मा जी कोल। ओते कुछ मिल लंदे ते नुहाना भी हैगा। अरे मेरे को टन्ने में नहीं जांदा मेरे दोस्त। सो गाइस, तुहानू जिहड़ा व्यक्ति दी सोच रहा है, ये व्यक्ति ओही है, ये व्यक्ति हैगा विशु जी। बारबी दा सूट लेना, एक बारबी दा मैं जणा कह दियो, बारबी दा नाज ले दियो, उत्थे जा कहंदे और पता बारबी नूं। ओए विशु आया, कैसा है विशु? सो नानी अम्मा दे घर बस एक्टे लानी सी, ते एक्टे विशु लेके आया सी, ते हुण आपां जाणे मैं एडी नूं इंजेक्शन लवाण, ते बारबी दी ड्रेस लैण। तू कपड़े लैणे? हां मेरी भी शॉपिंग कर लो ना। ले आ दिंदे, ले आ। थैंक यू, चलो चलते हैं, अब तो मजा आएगा। इस अंकू गड्डी पार्क करने गया, आप आ चले अंदर। कैसी लगी ड्रेस? अरे बहुत अच्छी है, मेरे को तो अच्छा लग रहा है डाल के, दिल कर रहा है आपको काट लूं। बारबी दी ड्रेस है, ठीक है, वो थोड़ी हेल्दी है ना, तो इतनी वड्डी ड्रेस है, नाले वड्डी भी हैगी है। दवाई भी है, दवाई बस खिलानी है, दो चुके फीवर ना। सो
घर पे जाके मिलते हैं। गाइस विश्व अंदर बारबी का सूट देन गया वा ते एडी इथे सो चुके है ते हुन अब क्या देखे की करदा उठे ता नानी मामा घर क्योंकि सूरज भाई की बाइक नानी मामा घर बाहर खड़ी है सूरज भाई चले बाय बाय सूरज भाई ध्यान रखियो फोन फ्लाइट मोड ओके बाय बाय टेक केयर हूं मैं गड्डी चलावांगा आप सीधा चलांगे मम्मी के कपड़े लैन कपड़े लैन तो बस सीधा चलांगे घर सो गई शॉप के बाहर पा गए याद भी अंदर गए मम्मी के कपड़े लैन पता नहीं यार अचानक मेरा भी सिर दर्द बहुत ज्यादा जोर दी होने लग पाया वीकनेस जी फील होंगी भी है बहुत ज्यादा मूह भी बार बार सुक रहा हूं बस जिदा याद भी आंदी है फिर फटाफट घर जावा तो मैं रेस्ट करा क्योंकि मैं लग रहा है कि मैं बुखार होना पता नहीं यार अचानक की हो गया गड्डी भी नहीं चलती भी मेरे को स्वेटर ही फ्री होने फिर आप सीधा घर जाके मिलते हैं सो गाइस भैया घर आ चुके घर आंदे भैया थोड़ी तबीयत डाउन हो गई है बिकॉज़ वो कह रहे मैं सिर दर्द हो रहा है इन्हें भी खांसी लगी दी है तो आज का व्लॉग अपना ही एंड करते हैं अगर तुम्हें व्लॉग देखने में मजा आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलियो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो अपना प्यार दिखाओ तो सारे वाली दुआ मंगो कि सारे ठीक हो जाए बिकॉज भैया की तबीयत खराब लग रही थोड़ी शाबाश ते मम्मा तानू पता ही है सो जल्दी जल्दी सारे ठीक हो जाए आई होप तुसी सारे अपने घर ठीक रहियो बाय बाय टेक केयर गुड नाइट लव यू ऑल टेक केयर